हेलो व्यूअर्स, मैं आपको आज पोस्ट आरएन बीएससीएन में एडमिशन्स के हवाले से बताता चलूं कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में पोस्ट आरएन बीएससीएन जो कि 2 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है और इसकी एलिजिबिलिटी आप जिन स्टूडेंट्स ने नर्सिंग 3 इयर्स किया हुआ होता है और 4th ईयर उनका कंप्लीट हो चुका होता है उनके लिए 2 इयर्स पोस्ट आरएन डिग्री प्रोग्राम करवाया जाता है। अगर आपका 4th ईयर और जनरल नर्सिंग जो कि 3 इयर्स का प्रोग्राम था ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं तो आप पोस्ट आरएन में अप्लाई करने का सुनहरी मौका हाथ से जाने ना दें। इस साल पोस्ट आरएन में अप्लाई करने वालों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 1 साल का जो एक्सपीरियंस पहले रिक्वायर्ड होता था वो अब पीएनसी ने ख़त्म कर दिया है। अब आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, अब आपका सिंपली 3 साल का जनरल नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए और 1 ईयर का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए तो आप पोस्ट आरएन में एडमिशन ले सकते हैं। आपको पोस्ट आरएन में एडमिशन लेने के लिए लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कैश काउंटर सी ब्लॉक से 1500 रुपीज़ का फॉर्म परचेज करना पड़ेगा। उस फॉर्म को परचेज करके आपने फिल करना होगा। फिल करने के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। अगर आपको फिल करने के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस लिंक में फॉर्म फिल करना देख लीजिएगा। अब आपको बताता चलूं कि फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो है आपका पीएनसी वैलिड कार्ड, सीएनआईसी की कॉपी, आपकी 3 इयर्स की जनरल नर्सिंग की कॉपी, आपकी 4th ईयर की मार्कशीट की कॉपी, आपकी मैट्रिक की मार्कशीट की कॉपी और सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपका डोमिसाइल और 12 तस्वीरें, 12 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। अगर आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो फॉर्म की भी वीडियो एक नज़र देख लें, आप यकीनन हाफ आवर में अपना तमाम काम कंप्लीट करके अप्लाई करके आ जाएंगे और आपको दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म कहाँ से मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ये तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसकी वैलिडिटी अप्लाई करने की कब तक है। आप 15 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास 15 अक्टूबर तक चांस है अप्लाई करने के लिए। 15 अक्टूबर के बाद आपको शायद मौका ना मिल सके, लिहाजा ये डेट आपने अपनी नज़रों में रखनी है कि 15 अक्टूबर से पहले या 15 अक्टूबर तक आपने अप्लाई करना है। इसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होता है जो कि एमसीक्यूज बेस पे होता है और एमसीक्यूज बेस टेस्ट पे क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है और आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जनवरी से। यकीनन आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस मौके को हाथ से बिल्कुल जाने मत दें और आपके लिए ढेर सारी दुआएं कि आप इसमें कामयाब हो और आपको एडमिशन मिल जाए और आप जल्दी से अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।